नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने जारी किया है SOP। भारत समेत बिहार में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना को देखते हुए देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से तेजी बढ़ने लगी है। बिहार में भी इन दिनों कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से चिंता जाहिर की जा चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के रफ्तार डेढ़ गुनी रफ्तार से बढ़ रही है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना के मामलों में जिस तरह की वृद्धि हुई है, ऐसे में होली के पहले ही बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। इधर केंद्र सरकार ने बिहार में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर होली, शबे बारात, ईद उल फितर सहित अन्य पर्व त्योहारों में जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। बिहार के साथ ही देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्होंने आगामी त्योहारों को देखते हुए कोरोना संकट से निपटने के लिए उचित उपाय अपनाने की बात कही है। अजय भल्ला ने जो पत्र राज्य सरकारों को लिखा है, वो आने वाले त्योहारों को लेकर ध्यान में रखते हुए सख्त कदम उठाने को कहा गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है कि आने वाले दिनों में शबे बारात, ईद उल फितर जैसे बड़े त्योहार आ रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा सामान्य से कई गुना ज्यादा हो सकता है। लिहाजा सरकारों द्वारा सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि बिहार में पिछले एक सप्ताह में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। एक हफ्ते में कोरोना मरीजों की संख्या डेढ़ गुना तेजी से बढ़ रहा है। इस हफ्ते पिछले 5 दिनों में 755 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के मामलों को देखते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने और जिलों में कोविड केयर सेंटर को तैयार रखने को कहा गया है। सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह पर लगी रोक को सख्ती से पालन करने और मास्क की अनिवार्यता को सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया गया है। 26 मार्च को बिहार सरकार की तरफ से जारी कोरोना के अपडेट में बताया गया है कि 34 जिलों में कुल 211 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुँच गई है। वहीं हम राजधानी पटना की बात करें तो यहां 350 से ज़्यादा एक्टिव केस सामने आए हैं, जो कि बिहार के सभी अन्य जिलों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। 26 मार्च को बिहार की राजधानी पटना में 66 मरीजों की पुष्टि हुई, तो वहीं भागलपुर में 13 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जहानाबाद की बात करें तो यहां 16 नए मरीजों की पुष्टि हुई। ऐसे में अब बिहार में कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 5 राज्य, जिसमें महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। देश में कोरोना के एक दिन में 59,118 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि फरवरी महीने के मध्य में कोरोना के मामलों में उतनी तेजी नहीं देखी गई थी, जितनी तेजी मार्च में देखी जा रही है। आपको यह भी बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 3 महीने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुँच गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।